थैंक यू वेरी मच। गाने के बारे में कुछ बताइए। ये गाना मैंने 2014 में मैंने अमेरिका में एक फ्लाइट में बनाया था, और उसके बाद में एक अनप्लग्ड शो आता है एमटीवी में, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे से गाया था। एंड आई सॉ द रिस्पॉन्स वॉज वेरी अमेजिंग, लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना, बट सब लोग साथ में गा रहे थे, और यू कैन ऑल्सो सी इंटरनेट में है वो गाना। तो तब मैंने सोचा था कि इस गाने को मैं एक सिंगल बना के पेश करूँगा, और बहुत टाइम से मैं इस पर काम कर रहा था। आई वॉज थिंकिंग इसको कैसे साउंड करना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में गाने तो मैंने गाए हैं और गाते भी आया हूँ, पर हमेशा साइड बाई साइड इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मेरी करने की हमेशा अच्छा रहती है, चाहे दीवाना हो या चंदा की डोली हो या क्लासिकली माइल्ड हो, रफ़ी रिजरेक्टेड हो, फिर जान याद, मैंने काफ़ी किस्मत मौसम बहुत सारी एल्बम्स किए मैंने। और अब एल्बम्स का इतना फॉर्मेट बदल चुका है, इट्स सिंगल्स नाउ, बिकॉज पीपल डोंट रियली गेट टू बाय सीडीज एंड कैसेट्स एवरीवेयर, मिलते ही नहीं है, लोग एक ही गाने को ध्यान देते। सो आर फोकस हैज़ टू बी एक गाने को इतना अच्छा बना के उसको पेश करो कि आठ गाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो एक गाने को ही आठ का बना के पेश करो। सो इसलिए मैंने इस गाने को सोचा कि वील डू अ सिंगल, एंड दैट्स वेयर कल्चर मशीन केम इन। मेरे उनके साथ में ऑलरेडी आपने देखा है, अभी जो हमने रोड साइड उस्ताद उनके साथ में किया था, आई लाइक दोज गाइस, मुझे लगता है बहुत समझदार टीम लगती है मुझे, और मुझे वैसे भी थोड़े हैंकी पैंकी लोग पसंद नहीं है, मैं कम काम करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग रहें जिनका दिमाग चलता हो, सिर्फ ज़बान नहीं चलती, दिमाग भी चलता हो। तो आई फेल्ट मेरी सच्ची ट्यूनिंग है, एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि हम लोग इस एल्बम को, इस गाने को फुल थ्रॉटल बनाएंगे और अच्छा पम्प करेंगे। तो मेरी सर्जरी के पहले मैंने फटाफट गाने को बना के उसके वर्जन बना के शूट करके, एंड आई जस्ट थॉट कि इस गाने को बाद में मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पहले वीडियो शूट कर लिया, देन आई वेंट फॉर द सर्जरी। एक्चुअली जैसे ही मैंने कल्चर मशीन के साथ में पहली कुछ मीटिंग्स हमने की, और जब जो एजेंसी मुझे मैनेज कर रही है क्वान, उनके साथ में और सब बैठ के हम लोगों ने बातचीत की, तो ये आइडिया उनकी तरफ से आया ऑफकोर्स, और फिर इसको थोड़ा बहुत ट्वीक किया कैसे, क्योंकि पेश तो मुझे करना है ऑफकोर्स, पर ये आइडिया उनकी तरफ से आया था और मुझे अच्छा लगा बहुत, क्योंकि कभी किसी ने ऐसे किया नहीं था गा के, और थोड़ा चांस लेने की बात थी, वी वर थिंकिंग कि इसको मुंबई में करें या कहीं और करें, पर हमने यहाँ पे किया, एंड वी थॉट कि इसको हम एग्जैक्टली अपने वीडियो से एक हफ्ते पहले प्लग इन करेंगे, ताकि हमारा जो स्पेशल वीडियो है जिसके लिए इतने लोग हम जुड़े हुए हैं, हमने इसको चार बार तो मैंने इसको प्रोग्राम किया इस वीडियो को, और उसके बाद फाइनली एक वर्जन इसका मैंने सिलेक्ट किया, और वीडियो टीम ने कम से कम 12 या 13 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इसके वीडियो के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में आप देखेंगे ऐसे इतने सोच के साथ में वीडियो बनते नहीं हैं, वो ज़माने गए, पर हमने इसको बी ट्रीटेड लाइक ए फिल्म, ऐसा उसको ध्यान दिया। एंड देन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आके इसमें इस वीडियो को एम्पावर किया है, फराह, राजू हिरानी, कैलाश केर, सुनील ग्रोवर, नैटली दिलुचियो, और मेरा क्यूटी पाई बेटा। सो सब ने इसको, वी थॉट विल मेक दिस सॉन्ग एंड प्रेजेंट इट टू द पीपल, जिनको लगता है कि सिर्फ फिल्मों में गाने सिर्फ ना हों और इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी आए, सो वो सोच के हमने इसे किया, एंड आई थिंक द स्ट्रेटजी हैज काइंड ऑफ वर्क्ड। हाय, आप सोने का भी है ना, मतलब भरूके बन के घूमते हैं। हां, अभी देखो दाढ़ी के पीछे इस्तेमाल पड़ गया आपको, ये अलग अलग रूप धर के ये सब करने का ये जज्बा आप ही ने मतलब सोचा कुछ? एक्चुअली मैं ओपन माइंडेड रहता हूँ, आई डोंट हैव क्लोज आइडियाज़ अबाउट माई सेल्फ और प्रोफेशन। मुझे अगर कोई अच्छी बात लगती है, तो मुझे किसी ने अच्छा प्रपोज़ किया, मुझे कल्चर मशीन टीम ने कुछ अच्छा प्रपोज़ किया और मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ ऐड की, तो सोचा नहीं था। मैं हमेशा मुझसे कुछ पूछते आप आगे क्या करने वाले हैं, मुझे पता ही नहीं था आगे क्या करने वाला हो, तो जो आएगा सामने मैं कर लूँगा। सो दिस ये आ गया मेरे पास, मैंने कर लिया, एंड इट हैज़ बिन लैपटॉप बाय पीपल। ऑल आई डू इज़ मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे दिया जाए मैं उसको तमीज़ से करूं और ईमानदारी से करूं, चाहे वो गाना हो, चाहे वो सड़क पे गाना हो, चाहे वो फ्लाइट में गाना हो। कई सारी चीज़ें इसमें हमने कही हैं,
हमारा प्रोफेशन म्यूज़िक का है, तो ऑफ कोर्स क्रेजी दिल के लिए ही ये सारा हमने समा बांधा था ताकि हम लोग म्यूज़िकली एक बात भी कह दें। और उसके पहले हमने ये जो रोड साइड उस्ताद के जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने किया था, उसके पीछे सिर्फ यही था कि वही मैं हूँ और वही आवाज़ है, सिर्फ फ़र्क है तो मेरे कपड़ों का, मैं कहाँ बैठ के गा रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ और मेरे पीछे कितनी बड़ी मार्केटिंग टीम है, प्रेस मीडिया मेरे आसपास है कि नहीं है, अकेला इंसान बैठा है और किसी के बुलावे पे नहीं है, किसी के निमंत्रण पे नहीं है, तो कैसा अनुभव होगा। बस हमने यही सोचा था, कोई सीखना हम क्या देंगे किसी को सीख, हमने खुद ही सीखा बहुत कुछ, देयर इज़ नो नथिंग टू प्रीच अबाउट इट, फॉर मी इट वॉज माई ओन लर्निंग। आपने उससे क्या सीखा ये आप लोग जानेंगे, आई कांट टीच यू। I'm glad for the fact that they didn't recognize the face maybe, but they did recognize the voice, and we could see in the video people kind of rounding around you while you were performing on the yeah, but they didn't recognize my voice, they liked my voice, that was a good part, that I could actually out of nowhere attract them through my voice, but in fact I was ड्रेडिंग द फैक्ट कि मुझे पहचान ना जाए यार, बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएगी मुझे कि मैं कैसे संभालूंगा उस चीज़ को, मेरे आसपास में कोई है भी नहीं, ना मेरे बॉडी गार्ड है, ना मेरे कोई टीम है, ना मेरे मैनेजर्स हैं, ना मुझे मैं कम्युनिकेट भी कैसे करूँ कि मैं हो गया कि नहीं। तो आपने जो देखा है वो बहुत छोटा क्लिप है, मैंने तो बहुत लंबा, मैंने एक एक जगह पर एक एक घंटा गाया, वन आवर एक जगह पर चंदन के पीछे, फिर एक घंटा चंदन के सामने, फिर एक घंटा चार बंगला में, तो आसान नहीं, मैंने बहुत काफ़ी धूप में बैठ के मिट्टी में काफ़ी गाया था और तरह तरह के गाने गाए थे, आपने सिर्फ दो सुने हैं, मैंने कम से कम 25 गाने गाए थे, इतना मेहनत के बाद में तब लोग इकट्ठे हुए हैं। कैमरा सेटअप काफी मतलब पूरा प्लानिंग के साथ किया गया, अलग-अलग एंगल से और जी हाँ, ताकि लोगों को शक ना हो कि कुछ टीम यहाँ पे है कि नहीं, इसलिए अकेले ही था मैं। बस गुड मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली, मैंने किसी और को देखा है एक्चुअली, एक मुझे जो इंस्पिरेशन था वो एक फुटबॉलर था, प्रोफेशनल नहीं था वो, बहुत कमाल का गिमिक करता उसने, पता नहीं जैसे बॉल उछाल के सर के ऐसे करने वैसे करने वाला, ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, दिस अ सर्टन वर्ड दैट यू कॉल, मैंने उसका वीडियो देखा था आज से कुछ 3-4 साल पहले कि वो किसी फुटबॉल के ग्राउंड में घुस गया बुढ़ा आदमी बन के, एंड देन वो उनको सबको चखा रहा है, कोई इसके बॉल पकड़ नहीं पा रहा, सो मुझे मैंने उसका देखा है, बट मुझे रिचर्ड गियर का पता नहीं है और किसने क्या किया। आई हर्ड सम पीपल हैव डन दिस, बट दिस वाज म्यूजिकल ना, इसमें इस सब कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज किसी वोकलिस्ट ने कभी नहीं किया ऐसा, कोई आके कुछ भी करेगा तो कोई आके गाए, मतलब माइकल जैक्सन ने जैसे किया हो तो मैं समझ सकता हूँ, बट किसी सिंगर ने नहीं किया कभी ऐसा, और गा के मतलब ज़मीन पे हारमोनियम बजा के खुद गाना, दैट वाज स्लाइटली, और इंडिया में तो वैसे भी आपको पता है लोग कितना जल्दी में रहते ही हैं, सो इट वाज गुड कि मेहनत की लेकिन लोग इकट्ठे हुए। जैसा कि हमने वीडियो में देखा है कि एक आदमी आपको पूछ रहा था खाना खाया कि नहीं, तो वो कैसा अनुभव रहा था आपका? अच्छे लोग हैं दुनिया में, एंड आई लाइक द फैक्ट जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हमेशा मैं खुश होता हूँ। अभी वो हम ज़रूर से मिलना चाहेंगे हम लोग सभी, और उम्मीद है उससे मिल भी लेंगे। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस टू सी हिम कंसर्न, मेरे हाथ में उसने 12 रुपए दिए भी। इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? बस अभी क्रेजी दिल में आपने वीडियो देखा अभी? नहीं देखा ना? हाँ। अच्छा, काय 12 रुपए का क्या किया? 12 रुपए का नीचे फ्रेम आप देख लेना, फोटो कर लेना, नीचे लगा हुआ, बस 100 रुपए लगा हुआ।